सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले पांच ऐसी टॉप स्किल्स के बारे में जो हमको पांच साल बाद, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो पांच साल बाद हमको एक टॉप आर्किटेक्ट बनकर बाहर निकालेगी। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपको चार साल बाद बनकर आर्किटेक्ट निकलना होगा, तीन साल बाद थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में तो दो साल बाद, फिफ्थ ईयर में तो एक साल बाद। जितना हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर हमारे साथ टाइम की कमी होती जा रही है, टाइम कम पड़ता जा रहा है। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आपके पास टाइम ज्यादा है, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा अपने स्किल्स के ऊपर काम कर पाएंगे। एक्चुअली में होता क्या ना यार, जो आज की वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उन सभी पॉइंट्स को हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। मॉरल साइंस, SST, GK इन जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमने उनको बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है, उनको रटा भी बहुत है। पर लेकिन अब एक्चुअली के अंदर, मतलब अब समय आ गया है उन सब चीज़ों को जीवन के अंदर अप्लाई करने का, जीवन के अंदर उतारने का। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल सी है, ध्यान से समझेंगे और साथ में कॉपी और एक पेन निकालो, जो चीज़ आपको बोलता जा रहा हूँ वो हो सके तो कोशिश करो अपने वर्ड्स के अंदर बनाकर लिखते जाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी पहली स्किल्स है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी स्किल हमारे पास रिक्वायरमेंट है कॉलेज लाइफ के अंदर, कि उसके ऊपर हम कॉलेज लाइफ के अंदर अभी से काम करना स्टार्ट कर दें तो जब हम कॉलेज के बाहर बनकर आर्किटेक्ट बनकर निकल रहे होंगे कि अगर आपके अंदर वो स्किल्स है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहां तक भी जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोक पाएगा जीवन के अंदर बस। ठीक है, पहली स्किल की बात करूं तो वो हमारे पास कौन सी है, सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये सबके अंदर होनी चाहिए, आज चाहे आर्किटेक्ट हो चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, ये स्किल अगर आप में है तो समझ लेना आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। कौन सी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, अपने बातचीत करने का तरीका। होता क्या ना, एक लाइन हमने पढ़ती बचपन में पढ़ी थी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन किससे आता है, बातचीत करने से, कन्वर्स करने से। ठीक है, आप किसी से, हम किसी से मिलते हैं तो हम देखते हैं कि यार वो कोई गुस्से से बात कर रहा है, शुरुआत में किसी का कोई मूड खराब है या गुस्से से बात कर रहा है तो हम उसको कैसे मानते हैं कि ये तो गुस्से वाला आदमी, इसको छोड़ो। कोई आदमी आया कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो हम कैसे मानेंगे कि हाँ ये थोड़ा बोलने में अच्छा है, तो हम पहले उसके पास ज़्यादा जाएंगे क्योंकि वो बोलने में अच्छा है, इसका मतलब उसका काम भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर काम की किससे प्रायोरिटी डिसाइड हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल से, कि आप किस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस तरह से आप बातचीत करें आगे वाले। अपने क्लाइंट्स को हमको बातों के अंदर मेल जोल बिठाना होगा, तालमेल बिठाना होगा, तो तालमेल किससे बैठेगा, हमारी कन्वर्सेशन, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, हम कितना अपने आप को, अपने वर्ड्स को क्लियर है, कितना अच्छे से उसको समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पर भैया क्या कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कुछ बढ़ाने के तरीके आपके पास हैं, तो बिल्कुल है। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है वो कौन सा आता है, वो हमारे पास है बुक्स। ये बुक्स, ये एक ऐसा तरीका है जो कि सबसे A1 तरीका है। A1 मतलब होता है कि सबसे बेहतरीन तरीका है कम्युनिकेशन स्किल्स को जब बढ़ाने की बात आती है, सबसे पहला तरीका आता है बुक्स। अगर आपके पास बुक्स है, कौन सी बुक्स, ये मैं अकेडमिक वाली बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर है वो तो अलग है, वो तो रट्टाफिकेशन वाली बुक्स है, उससे कुछ नहीं होगा। मेन आते हैं किसके ऊपर, जो हमारी जीवन प्रोडक्टिविटी, सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बुक्स होती है, कुछ मार्केट में मिलती है, उसको चाहो तो खरीद सकते हो, एक से दो बुक। ठीक है, वैसे मैं आपको तीन से चार बुक्स के नाम बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो मैं भी खुद पढ़ता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बात करता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ईट दैट फ्रॉग, डीप वर्क, द वन थिंग, ऐसे ही चार से पांच बुक के नाम है। ये प्रोडक्टिविटी, सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है। इन बुक्स को पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्टली ये बुक्स आपको करेगी क्या, बुक्स एक्चुअली भैया बुक्स कर क्या रही है, बुक्स हमारे को कम्युनिकेशन नॉलेज बढ़ा कैसे रही है, तो बुक्स क्या करेगी, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स के अंदर हमको नॉलेज मिलेगा। बुक्स के अंदर होता क्या है, बुक्स कोई ना कोई राइटर ही लिखता है, तो वो राइटर की क्या कहानी है वो आप साथ साथ के अंदर पढ़ोगे, क्या नॉलेज वो देना चाह रहा है, क्या उसकी जीवन की कहानी है, वो सब चीज आप पढ़ोगे तो वो से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। लोगों के साथ जब हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा बनता कैसे, वो इसी एक चीज से बनता है कि वो आगे वाला आपको किस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, उसके बोलने का तरीका क्या है, क्या उसको उस चीज का पर्टिकुलर नॉलेज है या नहीं है, वो सब कहां से आएगा, वो सब आपको बुक्स ही दे सकती है, बिना बुक्स के तो नॉलेज आ ही नहीं सकता ना। तो मेन क्या आती है, आप बुक्स, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो यार, अगर बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है यार, कुछ और तरीका बताओ, तो अगर मार्केट के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर ऑडियो बुक्स भी होती है, ऑडियो बुक्स लाकर पढ़ लो। बट लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ यार, मेरा मानना है कि जब तक हमें कोई चीज़ ऑफलाइन टाइप यूँ बुक खोल कर आंखों के सामने रख कर नहीं पढ़ते ना, तब तक वो मजा नहीं है ऑडियो वाली बुक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि बुक्स हमारे जब आंखों के अंदर होगी तो हम पेन और कॉपी लेकर उसके अंदर अंडरलाइन कर पाएंगे, चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे, अपने जीवन के अंदर उसको उतार पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करो दो से तीन बुक्स खरीदने की, और एक बुक खरीद कर स्टार्ट कर दो, शुरुआत कर दो अपने जीवन में आज से ही। इस वीडियो के खत्म होने के बाद जितनी भी स्किल मैं बताने वाला हूँ, बाकी की चार, उसके ऊपर स्टार्ट कर देना काम। ठीक है, तो हमेशा मस्त रहोगे। ठीक है, पहला जो बुक्स, नंबर सेकंड जो बात करता हूँ वो हमारे पास कौन सा है, सिंपल यार, कभी भी फ्री हो, जैसे घर के अंदर फ्री हो, अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ब्लैक यार से घर में कोई नहीं है, फिर कमरे में कोई नहीं, घर में कोई नहीं है, फ्री हो, ठीक है, तो क्या करो, सिंपल आईना लो और आईने के सामने बैठ जाओ और अपने आप से बातचीत करो, कोई भी पैराग्राफ याद कर लो और उसको खुद के सामने बोलो, अपने आप को देख कर बोलो। ठीक है, अपने आप से बातचीत करनी है कि आईना नहीं लेना भैया, आईना नहीं मेरे पास घर के अंदर, या फिर आईना किसी और रूम में पड़ा है, मैं मेरे रूम के अंदर बैठा हूँ, फोन तो है ही, फोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर लो, फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आप को देखो कि
कोई भी चीज याद कर लो और अपने आप को जो उसके अंदर बात करो, अपने आप से बात करो, अपने आप को सुनाओ वो चीज, फिर देखो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं गलती क्या कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद रिकॉर्डिंग को देखो कि मैं किस टाइप से बोल रहा था। ये सब चीज, तो ये सब चीज तरीके होते हैं कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। मैं कम्युनिकेशन स्किल को भी इतना क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी ये चार पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके कंपैरिजन में। कम्युनिकेशन स्किल आज के जमाने के अंदर आर्किटेक्चर फील्ड हो चाहे कोई सा भी फील्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल्स ही हमको ये पता करती है कि क्या हम शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितना हमको काम मिलने वाला है, कितना हम काम करके दे सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट। किसी आदमी के ऊपर हम विश्वास कब करते हैं, जब हम बोलते हैं कि हाँ यार वो बोलने में अच्छा है, वो बातचीत अच्छा करता है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इसका काम भी अच्छा होगा, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी क्लियर है, नेक्स्ट चलता हूँ कहाँ तक, सब सेकंड नंबर पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट जो हमारे पास वो है टीम वर्क, या फिर बात करते हैं हम कि लीडरशिप, टीम वर्क या फिर लीडरशिप। बोलने का मतलब समझ गए होंगे भैया, टीम वर्क आप बोलना चाह रहे हो, या फिर लीडरशिप मतलब कि हमको ग्रुप का कैप्टन टाइप कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स अगर मैं बोल दे जाऊँ आपको कि आपको आप यहाँ खड़े हो और आपको चार लोग आपके सामने बिठा दिए, आपको मैंने कोई काम दिया है, आपको किसी काम को चार लोगों के बीच में डिवाइड करना है और अपने हिसाब से उनको डिवाइड करना है, आपके पास मैंने टाइम लिमिट दे दिए, आपको उस काम को डिवाइड करना है, उनको ढंग से गाइडेंस भी करना है, मतलब आपके ऊपर सब जिम्मेदारी है, या कोई भी ग्रुप का काम होता है तो उसके अंदर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करो कि हाँ मैं जिम्मेदारी लूंगा, मतलब मैं एक टीम वर्क, मैं एक लीडर बनने की ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो लाइफ के अंदर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जब आप कॉलेज में पास आउट हो रहे होंगे तो दो टाइप के स्टूडेंट निकलेंगे, पहला वो होगा जिसको जॉब लेनी है, दूसरा वो होगा जिसको जॉब देनी है। बात समझो ध्यान से, पहला वो होगा जिसको जॉब लेनी है, ठीक है, लेनी मतलब क्या होगा, जिसको जॉब करनी है, उसके अंदर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा लीडरशिप, क्योंकि वो कोई और आपको लीडरशिप दे रहा होगा, कोई और आपके साथ टीम वर्क कर रहा होगा, आप तो काम करने वाले हो, कोई और आपको काम दे रहा होगा तो लीडरशिप वो करेगा। पर लेकिन अगर आप ये बनना चाहते हो कि भैया मैं लाइफ के अंदर खुद कुछ करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को जॉब देना चाहता हूँ, मैं दूसरों की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एड करना चाहता हूँ, मैं दूसरों को खुद स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मैं खुद अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, या फिर मैं खुद अपना आर्किटेक्चर फर्म खोलना चाहता हूँ ताकि मैं खुद लीडरशिप बन सकूँ, मैं खुद अपना बॉस बन सकूँ, मैं खुद अपने कातों से काम बांट सकूँ, तो वहां पर आती है के बाद लीडरशिप की। इसीलिए मेन चीज क्या होती है, लीडरशिप। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी साथ साथ के अंदर आप टीम वर्क और लीडरशिप के अंदर आपको आना चाहिए, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ध्यान देंगे, इसके लिए भी बहुत सारी मार्केट के अंदर बुक्स आती है, पर मेन तो शुरुआत यहीं से होती है कि सेल्फ ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की बुक्स आप पढ़ोगे तो वहां से धीरे धीरे आपको लीडरशिप धीरे धीरे भी डेवलप होने लग जाएगी। ठीक है, तो बात सुन मारी है, पूरा पॉइंट आपके साथ क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री की तरफ। पॉइंट नंबर थ्री जो हमारे पास है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, समझ जाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जिम्मेदारी। सब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। जब कभी भी आपने देखा होगा यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब स्कूल के अंदर थे तो स्कूल के अंदर हम लोग, मम्मी ने रोज सुबह सुबह हमको उठा भी देती थी शायद, उठ भी जाते थे आप, खाना बनाना मिल जाता था, कपड़े धुले मिल जाते थे आके, मतलब सब कुछ सुबह का शाम का खाना सब टाइम पे मिल रहा है, पापा सब कुछ सामान बाहर बाजार से लेके आ रहे। हमारा काम क्या था, सिंपल, पढ़ना स्कूल जाना, कोचिंग हो तो कोचिंग जाना, बस और कुछ भी नहीं था। कॉलेज के अंदर आ गए, अब कॉलेज के अंदर जो घर में ही रह रहा है उसको तो ये सब सुविधा वापस मिल रही है, पर लेकिन जो बाहर रह रहा है उसके अंदर भी हो सकता है किसी ने काम वाला लगवा रखा हो या काम वाली भाई लगवा रखी हो। ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो और अपने ऊपर जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइफ के अंदर जब हम 5 साल बाद आर्किटेक्ट बनने के लिए निकलेंगे, आर्किटेक्ट जब पास आउट हो जाएंगे तब मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तब वहाँ पर आ जाएगी। उसी की आदत अभी से डाल लो, अभी से ट्राई करो यार, चीज़ों को कपड़े खुद धोने हैं, ठीक है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, खाना तो कहीं और खा लेते हैं, कपड़े खुद धो लेने हैं, रूम की साफ सफाई है खुद ही कर लेनी है, जो भी छोटा मोटा काम है खुद ही कर लेना, बस खाने के अलावा। खाना बना सको तो बहुत ही वेल एंड गुड है, पर लेकिन अगर नहीं बना सको तो कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता खाना बनाने जितना, पर लेकिन बाकी जो काम है ना खुद करो, खुद के ऊपर जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ कि अगर यार कभी भी कोई घर के मम्मी पापा को कोई काम कर रहा हो, बहुत काम में उलझे हुए हो, तो यार उनसे जाकर पूछो कि क्या कोई काम है मेरे लायक, या फिर उनके साथ में काम बटाओ, आपको कोई छोटा मोटा काम दे भी दिया हो तो जाकर उस काम को पूरा कर दो, उनके साथ में हाथ बटाओ, उनकी हेल्प करो। ये मत सोचो कि यार मेरे एग्जाम्स आने वाले या फिर वो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं यार वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो उनकी हेल्प होगी, और वो उनकी हेल्प होगी तो आपके लिए भी वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, ठीक है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना सीखो। कोई भी चीज़ होती है, कहीं भी जाते हैं तो यार छोटा मोटा कोई जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर, काम की जिम्मेदारी ले लो कि हाँ यार, क्योंकि पापा बोलते हैं कि चलो ये वाला काम मैं कर दूंगा, तो आप बोल सकते हो कि चलो नहीं पापा यार, ये वाला काम तो मैं कर दूंगा, मम्मी ये वाला काम तो मैं कर दूंगा, इसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हूँ। क्योंकि यार कॉलेज में आने के बाद हम उस एज के अंदर आ गए जिसके अंदर अब हमको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, हम स्पून फीडिंग नहीं करनी है हमको, सिंपल हमको काम खुद का काम खुद करना है, बस ये काम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, नंबर फोर जो पॉइंट है हमारे पास, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स।
भाई साहब अगर आपको क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स मतलब हमको नए नए आइडियाज ढूंढने हैं, नए नए आइडियाज कैसे ढूंढे, पहला सिंपल चीज तो वही है जितनी बुक्स पढ़ोगे नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे, चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि हमको यहाँ एक वर्ड को यूज करना चाहूंगा क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स के अंदर, वो हमारे पास क्या चीज है, रिसर्च। जब तक आप किसी चीज के अंदर रिसर्च नहीं करते हो तब तक आपको नए नए आइडियाज आना मुश्किल हो सकता है। जब तक नए नए आइडियाज आने की आदत डालनी है उसके लिए हमको थोड़ी रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। रिसर्च किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिसर्च अगर करें तो मुझे लगता है हम उस चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को माप सकते हैं, दोनों साइड को ध्यान दे सकते हैं। आपको कोई कॉलेज या स्कूल के अंदर कोई काम दिया, लेट्स से आप हो और आपके साथ आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैंने आपको काम दिया है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है या फिर तैयार करनी है या फिर इस काम को पूरा करना है, तो आप क्या करोगे, आपने या फिर कोई भी मतलब आपने क्या करोगे, किसी भी एक को तो काम दे दिया रिसर्च वर्क की, मतलब तू कोई भी गूगल से या कहां से भी डाटा ढूंढ के कलेक्ट करके मुझे देना और मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा और हम दोनों मिलकर दे देंगे। तो ध्यान रखना कि यहां पर बहुत बड़ी चीज आती है रिसर्च। जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसको पता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है। जो चीज ओनली टाइपिंग करने का काम कर रहा है वो ओनली अच्छी अच्छी टाइपिंग कर रहा है बस, उसको बुरी चीज नहीं पता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज की, हर काम के अंदर के एडवांटेज है डिसएडवांटेज प्रोस कॉन्स हर चीज हमको पता चलती कहाँ, रिसर्च से। जितना ज्यादा हम रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितना टॉपिक को हम रिसर्च करेंगे, जितने बारे में हम फील्ड के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा हम ये पता करेंगे कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है अपने फील्ड के अंदर। तो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स क्या है, यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हमको क्या अपॉर्चुनिटी हमारे फील्ड के अंदर आगे है, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो सब क्या होगी रिसर्च। वो हमारे को क्या देगी, अलग अलग नए नए आइडियाज देगी कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉल्व की जा सकती है इसके अंदर वो चीज। तो बात सुन मारी ना, चीजें धीरे समझ आ रहे, तो हमको थिंकिंग स्किल्स क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी होगी ताकि यार एक टॉप आर्किटेक्ट बनने के लिए, एक आर्किटेक्ट के अंदर जब वो हम उस फील्ड के अंदर जाएंगे तो हमको वहाँ पर क्या करेगी, नए नए आइडियाज नए नए डिजाइन की जरूरत होगी, नए नए चीज़ों की नए नए थॉट प्रोसेस की जरूरत होगी, वो डेवलप करना होगा धीरे धीरे, वो एकदम से नहीं आएगा। तो अभी से चीज़ों पर शुरुआत करोगे तो आगे जाके आप 5 साल बाद अपने आप को ये पाओगे कि हाँ मैंने उस स्किल के ऊपर काम किया तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लास्ट वाली जो स्किल है वो हमारे पास है कौन सी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन या फिर हम बात कर सकते हैं क्या चीज़, एनालिसिस। किसी भी चीज़ के अंदर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करना तो पड़ेगा अगर आप उसको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करते जा रहे हैं। जैसे मैंने बात करी आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग टीम वर्क लीडरशिप अपने आप के अंदर लेकर आ रहे हैं, एक लीडरशिप लेकर आ रहे हैं, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चीज़ों की, हम लोग अपनी थिंकिंग स्किल्स नए नए आइडियाज नए नए थॉट प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं, उन चीज़ों के अंदर अगर हम साथ साथ के अंदर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करते रहे टाइम के ऊपर कि क्या मैं कर रहा हूँ, जो कितना मुझे प्रोग्रेस दे रहा है, मेरी जो ग्राफ है वो ग्राफ ऊपर जाती हुई दिख रही है मुझे या फिर ऊपर नीचे हो रही है या फिर नीचे जा रही है या फिर बिल्कुल परपेंडिकुलर या फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ को देखनी होगी, ऑब्जर्वेशन करना होगा चीज़ों को। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, हम लोग कभी यार बाहर जाते घूमने तो कभी हम सड़क के किनारे या कहीं भी देख लेते कोई ऐसी चीज़, तो हम कैसा बोलते हैं यार ये क्या हालत है यहाँ की, इस जगह की हालत देखो आप। तो काश ये ट्राई करो कि यार वो हालत जो हो रही है उस हालत के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप कुछ सॉल्यूशन कर सकते हो क्या, आप आगे आने वाले भविष्य के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ये सब चीज आएगी ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस से। आप जो अब तक कर रहे हो उस चीज को एनालिसिस अगर आप करते हो एक दिन बैठ के कि यार मैंने आज जो पूरे महीने के अंदर करा वो क्या मेरे आगे आने वाले टाइम के अंदर कितना मुझे फायदा दे रहा है, या फिर मैं 5 साल बाद जब आखिर बनकर निकलूंगा तो मेरे ऊपर कितना काम करेगा वो चीज, वो सब चीजें एनालिसिस ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑब्जर्वेशन। ये रेगुलर करते रहोगे स्किल्स के ऊपर तो स्किल्स के ऊपर आप माहिर होते जाओगे। करंट बता रहा हूं यार ये कुल मिलाकर 5 स्किल है, ये 5 स्किल हमारे मन के अंदर छाप लो, मन के अंदर क्या दिमाग के अंदर, ये कॉपी पेन के अंदर जहां लिखना हो लिख लो। सिंपल वो हर बात हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूं कि यार पेपर के ऊपर लिखकर अपने दीवार के सामने की तरफ चिपका दो कि 5 मेरे पास क्या चीज है, पॉइंट है ये 5 मेरे पास क्या ये चीजें, इनके ऊपर मुझे काम करना है आज से। इस वीडियो खत्म होने वाली, इस वीडियो खत्म होती इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना। काम स्टार्ट करने का मतलब प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि मुझे कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मुझे बुक खरीदनी है, मैंने बुक का नाम आपको बताया कौन कौन सी बुक मुझे परचेस करनी है, जल्दी से बुक लेकर आओ, काम स्टार्ट करो, रोजाना बुक को आधे से 1 घंटा बुक्स पढ़ो, एक्स्ट्रा बुक को टाइम दो, टीम वर्क लीडरशिप कैसे मैं लेकर आ सकता हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ अपने अपने रोजमर्रा के काम के अंदर, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, चीजों को समझो यार। क्योंकि देखो अग्रेड बनना है हमको, हमको फील्ड वर्क का काम करना है, बाहर जाकर चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो वहां पर जाकर हमको क्या करना होगा, स्किल्स ही हमारी काम आएगी। मतलब अगर आप कहीं हायर स्टडीज करोगे तो बिल्कुल आपके मार्क्स मैटर करेंगे, पर लेकिन एक फील्ड का काम करने के लिए आपको कितना नॉलेज है वो सब डिसाइड करेगा आपकी स्किल्स, कि आपने अपनी स्किल्स के ऊपर कितना काम किया है। क्योंकि ध्यान रखना
यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज बोलना चाहूंगा कि एक स्किल्स ही आपको बहुत बड़ा कुछ कमा कर दे सकती है, हमेशा ध्यान रखना, पर लेकिन एक टॉप आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इन पांचों स्किल्स के ऊपर माहिर तो नहीं पड़ लेकिन अच्छा तो होना ही पड़ेगा कम से कम। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कोई सी भी एक चीज, जैसे मैंने बात करी टीम वर्क लीडरशिप, तो ये तो कोई किसी भी काम में आ सकती है, तो किसी भी काम के अंदर आपकी टीम वर्क लीडरशिप है तो आप बहुत कुछ कमा के खा सकते हो। अगर आपकी किसी भी काम के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी भी काम के अंदर कुछ भी जॉब लग के कुछ भी कमा कर खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक टॉप आर्किटेक्ट बनने के लिए जहाँ तक मैंने सीखा या मैंने पढ़ा है, तो टॉप बनने के लिए आपको ये पांचों स्किल होना जरूरी है, क्योंकि जब क्लाइंट आएगा तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ उसके साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। अगर आप खुद की फर्म खोल रहे हो, खुद के लोगों को गाइडेंस देना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आपको टीम वर्क लीडरशिप जरूरी है। अगर आप खुद की फर्म खोल रहे हो, खुद की कंपनी चला रहे हो, तो उसके अंदर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, आपको रिस्क टेकिंग होना पड़ेगा, आपको रिस्क भी उठाने पड़ेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी पड़ेगी कि हाँ जो भी चीज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो सब मेरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अगर आप खुद की कुछ कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, आपको खुद का स्टार्ट करने के लिए नए नए आइडियाज लेने होंगे, नए नए थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी, थॉट प्रोसेस आने पड़ेंगे, आपको दिमाग के अंदर आइडियाज आएंगे, तभी तो आप वो चीज आगे बढ़ा पाओगे, तभी तो आप नई नई चीज़ें उसके अंदर ऐड कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, उस चीज को कंसिस्टेंसी से रखने के लिए हमको ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आर्किटेक्ट का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर पांचों स्किल्स के ऊपर मेंटेन करना हो रहा है, कंसिस्टेंसी चलना पड़ रहा है। ठीक है, सॉरी यार थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, पर लेकिन वो जो चीजें हैं मेन उसको समझाने का मेरा मुद्दा आपका यही है कि चीजें जो है हमको स्किल्स के ऊपर भी से काम करना होगा। मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं इस स्किल्स के ऊपर माहिर हो गया इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं भी यार आपकी तरह साधारण स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ, पर लेकिन बस मैं जहाँ तक सीखा जहाँ तक पढ़ा है वो इतना है कि ठीक है इसके ऊपर काम करना आप शुरुआत कर सकते हो, तो अभी से शुरुआत कर दो, आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप खुद देखोगे कि हाँ भैया चेंजेस हो रहे हैं, एक्चुअली के अंदर चेंजेस हो रहे हैं और रिजल्ट आपको मिलेगा। और 5 साल बाद जब निकलोगे कॉलेज के अंदर तो आपको वो चीज़ सब आपके अंदर होगी ऑलरेडी, जो बहुत सो के स्टार्ट करते हैं बाहर जाकर वो आपके ऑलरेडी पहले होगी आपके अंदर। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपके सामने क्लियर है, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे और खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। बोलना आसान है पर लेकिन करना मुश्किल है भैया, आप बोलते हो इतने आसानी से रहो, मैं जानता हूँ यार करना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल है, पर लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो शुरुआत कर दो यार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, सब तक के लिए अपना ध्यान रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।